अलीगढ़ जनपद के गंगीरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाईकला में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान आकर्षक झांकी निकाली गई। इस झांकी को पूरे गांव में चारों तरफ से निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग गानों की धुन पर नाचते जा रहे। झांकी का लोगों ने हर तरफ स्वागत किया। फूलों की वर्षा हो रही थी। कई जगहों पर शरबत भी बांटे गए। चिलचिलाती गर्मी में लोग झूम भी रहे थे और ठंडे शरबत का आनंद भी ले रहे थे। झांकी में बाबा साहब की तरह दिखने वाले एक बच्चे को उनकी पोशाक में देखा गया। लोग उस बच्चे में बाबा साहब की प्रतिमूर्ति देख रहे थे। ग्राम पंचायत बाईकला की प्रधान रीना देवी और ठेकेदार वीरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की प्रतिमा पर गजराज माला पहनाकर उनके प्रति आस्था का उद्गार किया। झांकी को युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाएं भी झूमती नजर आई और बाबा साहब के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा, उनकी वजह से ही हम आज खुलकर जी रहे हैं, उन्होंने हमें आज़ादी दी। इस मौके पर वीरपाल सिंह ठेकेदार, श्रीपाल रमनपुर प्रधान, गोपी चंद, सुनील कुमार सागर, मनोज कुमार गौतम, सुभाष गौतम, बलविंदर गौतम, भुवनेश कुमार, सचिन सर, राजेंद्र डीलर, साहब सिंह, सरदार चरण सिंह, रंजीत सिंह, मंडीलाल गौतम, भूप सिंह गौतम, नेम सिंह गौतम, आकाश कुमार, मुकेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से dailynewsonline.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की खास रिपोर्ट देखिए। लगभग 50 किलोमीटर की दूर यहाँ बाईकला गांव है जिस पर मैं हूँ। मेरे साथ में है प्रधान रीना देवी। मैं रीना जी से बात करना चाहूँगा, वो बताएं आज बाबा साहब के आज जन्म दिवस पर उन्होंने क्या क्या प्रसन्न क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बाबा साहब का आज 135वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। झांकियाँ निकाली गई हैं, सभी लोग खूब उत्साह से खुशी से मना रहे हैं, भाग लिया है और बहुत खुश हैं। और मेरा सौभाग्य है बाबा साहब की वजह से मैं आज गांव की प्रधान हूं, इसलिए मैं बहुत उनकी आभारी हूं और हमेशा रहूंगी। उनके हमारा पूरा समाज ही उनका रेडी है और हमेशा रहेगा। मेरा नाम अमृत कौर। बाबा साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि उन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। और उनका जन्म मऊ में हुआ था 14 अप्रैल के दिन। तो उन्होंने जब हम सबको इतना घिरा हुआ और मतलब हर समाज से पिछड़ा हुआ पाया, तो उन्होंने किसी भी युद्ध के जरिए नहीं बल्कि शिक्षा के जरिए हमारे लिए सबको संघर्ष किया था। तो बस हमें उन सब के संघर्ष का और उनकी शिक्षा का सही इस्तेमाल करते हुए देश को आगे ले जाना है। अमृत कौर, अमृत कौर, 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 कौर। थैंक यू। मेरा नाम वीरवती, वीरवती। पूरे कार्यक्रम के बारे में बताओ, आपके तो नाम कहा, कौन सा नाम है, बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी। बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छा काम है और हमारे माँ नरवरा में, ससुराल है नरवरा में, निवारी बांगर मेरी ससुराल है।
बहुत भगवान को मानते हैं। साथियों नमस्ते, आइए आज जनपद अलीगढ़ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूर पर यहाँ गांव है, ग्राम पंचायत बाई कला। यहाँ बाबा साहब का एक मेला बहुत विशाल रूप से निकाला जा रहा है, तो आइए मेरे साथ समाज सेवी में इनका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बताएं। हाँ जी, मैं सरदार चरण सिंह, पूर्व प्रधान भी रहा हूँ, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ इस क्षेत्र का, और समाज सेवी भी हूँ, और अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म शताब्दी महाविद्यालय धनसारी का भी प्रबंधक रहा हूँ। और आज बाबा साहब के और आज क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन है, और जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जिसमें बाबा साहब के संदेश थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिसमें हमारे बाबा साहब का इतना बड़ा पूरे संसार में आज एक पहले आदमी हैं, जो व्यक्ति नहीं उसको महान कहेंगे, महान भगवान की तरह हैं वो, जो उन्होंने जो देश में काम किया, देश के अलावा पूरे संसार में नाम फैला, आज पहले नंबर वन पे हैं। अमेरिका भी उनको अपने नंबर वन पे करता है, और कनाडा और जितने देश हैं सब उनको बाबा साहब को मानते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने भी उन्होंने लगाई हुई है, मूर्ति लगाई हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने डेली न्यूज से बात की। साथियों आइए, मेरे साहब हैं जो बाबा साहब की वेशभूषा में बैठे हुए हैं, एक छात्र है, मैं उनसे जानना चाहूँगा बाबा साहब के विषय में। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल कुमार हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धाम में बना हूँ। और जी हाँ, और बाबा साहब के बारे में और कुछ? हाँ, बाबा साहब की जन्म तिथि जानता हूँ और मृत्यु भी, और बाबा साहब की माता का भी नाम जानता हूँ। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना है कि बाबा साहब ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। मेरा नाम है गोपीचंद बाईकला, और आज जो 132वां प्रोग्राम हम मना रहे हैं जयंती बाबा साहब का बाईकला के अंदर, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर लोग कैसे चलें और क्या कल्याण होगा उससे? बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और उनकी बताई हुई बातों पर, उनके अध्ययन पर विशेष ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत